तो है फ्रेंड्स, कैसे हैं? शायद अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि एमएक्स टकाटक में प्राइवेसी सेटिंग के बारे में। आखिर प्राइवेसी सेटिंग क्या होता है, इसे क्या ऑन करने क्या ऑफ करने से क्या होता है, वही मैं आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखें, अगर स्किप कर दिए तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर बोलिएगा यार तू बकवास ट्रिक दिया है। अगर उससे पहले हमारे चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को कर लीजिए फर्स्ट से सब्सक्राइब, ताकि हम कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाके एमएक्स टकाटक को ओपन कर लेना है। चलिए, जैसा कि देख रहे हो प्ले स्टोर में आ गया, एमएक्स टकाटक को अपडेट कर लेना है सबसे पहले। जैसा कि देख रहे हो मेरे में अपडेट नहीं आया, आप लोग में अगर अपडेट आया होगा तो अपडेट कर लीजिएगा। तो जैसा कि मेरे में अपडेट नहीं आया तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो है आपके पास एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। मैं वीडियो का वॉइस थोड़ा कम कर देता हूँ जिससे आपको मेरी आवाज़ सुनने में दिक्कत ना हो। तो ऑन करने के बाद इस प्रकार से कुछ वीडियो चलने लगेगा, और उसके बाद जो है आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है अपने कॉर्नर वाले ऑप्शन पे। जैसे देख रहे हो मैं क्लिक कर दिया, और क्लिक करते ही आपके पास फिर से एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। और उसके बाद जो है आपको यहाँ थ्री लाइन पे क्लिक कर देना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ यहाँ थ्री लाइन पे क्लिक है। हाँ, तो जैसे ही आप थ्री लाइन पे क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, और आप ऐसा ही सॉरी बैक हो गया, ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। और उसके बाद आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है, जैसा कि मैं सेटिंग पे क्लिक कर लिया। और उसके बाद प्राइवेसी सेटिंग आ जाएगा ऊपर से तीन नंबर में, यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग आ जाएगा ये। तो आपको इस पे ओपन कर लेना है, क्लिक कर देना। जैसा कि देख रहा हूँ मैं प्राइवेसी सेटिंग ओपन कर लिया, और ये प्राइवेट अकाउंट का करके कुछ ऑप्शन आ रहा है, अगर इसको आप ऑन कर दीजिएगा आपका अकाउंट प्राइवेट हो जाएगा, आपका वीडियो कोई और नहीं देख सकता है जो आपको फॉलो किया, और वही सिर्फ आपका वीडियो देख सकता है। और फिर से उसके बाद जो है आता है अलाउ अदर टू डाउनलोड माई वीडियो, तो आपका वीडियो कौन डाउनलोड कर सकता है, तो वो अगर आप इसे ऑफ कर दीजिएगा तो जो आपको फॉलो किया होगा सिर्फ वही आपका वीडियो डाउनलोड कर सकता है, अगर इसे ऑन रखिएगा तो आपका वीडियो सब डाउनलोड कर सकता है। तो इसे ऑन रखिएगा ताकि आपका वीडियो जल्दी से वायरल हो। और शो माई लाइक लिस्ट है, तो उसके बाद आता है शो माई लाइक लिस्ट, तो आपका वीडियो जो है लाइक की, जैसे आपने कोई वीडियो को लाइक किया तो वो वीडियो को कौन देख सकता है, सिर्फ आप देख सकते हो या सब लोग देख सकते हैं, तो वही है। तो आप अगर इसे ऑफ रखिएगा तो आपका वीडियो को जो है सिर्फ आप देख सकते हो, अगर ऑन रखिएगा तो कोई भी देख सकता है, सब देख सकता है। और उसके बाद आता है ऑप्शन हु कैन सेंड देम ई मैसेज, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका आपको मैसेज कौन कर सकता है, जैसे कि देख रहे हो सॉरी, तो जैसे यहाँ एवरीवन किया हुआ है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एवरीवन पे। इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपके पास आएगा एवरीवन फ्रेंड्स वन नो वन, यानी कि आपको मैसेज कौन कर सकता है। एवरीवन रखिएगा तो आपको सब मैसेज कर सकता है, फ्रेंड्स रखिएगा तो सिर्फ फ्रेंड्स आपको मैसेज कर सकता है, नो वन रखिएगा तो आपको जो है कोई नहीं मैसेज कर सकता, तो आप एवरीवन रखिएगा ताकि आपको सब मैसेज कर सके। और उसके बाद नीचे आता है ब्लॉक यूजर्स का ऑप्शन, तो इस पर आपने कितने बंदों को ब्लॉक करके रखा है ऑलरेडी तो वो देख सकते हैं। जैसा कि देख रहे हो मैं दो को ब्लॉक करके रखा हूँ, एक मेरे में आ गया सोनाली, यहाँ अनब्लॉक लिखा हुआ है, इसे अनब्लॉक भी कर सकता हूँ यहाँ से। और उसके बाद आता है एक यूजर ये तो आप इसे अनब्लॉक कर सकते हैं। और मैं अब बता रहा हूँ कि इसको रखना कैसे है, तो आपको प्राइवेट अकाउंट नहीं रखना है, इसे ऑफ ही रखना है, और अलाउ अदर टू डाउनलोड माई वीडियो तो इसको भी आपको ऑन रखना है, और यहाँ शो माई लाइक लिस्ट इसे ऑफ रखना है, हु कैन सेंड मी मैसेज इसे एवरीवन रखना है, ब्लॉक यूजर में जिसको ब्लॉक कीजिएगा वो दिखेगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को मेरी बात समझ आई होगी। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ, ये मेरा एमएक्स टकाटक आईडी हुआ, मैं आईडी का लिंक साइड में शो कर दूंगा, तो आप लोग जो है मेरे को फॉलो कर लीजिएगा एमएक्स टकाटक पे। और तो चल दिए, तब तक वीडियो को लास्ट कर देते हो। और हाँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बताई दे रहा हूँ, तो इसमें प्राइवेसी सेटिंग के बारे में बताया, और आपको पुश नोटिफिकेशन और मैनेज अकाउंट के बारे में भी जानकारी चाहिए तो मुझे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस पर भी एक न्यू वीडियो बना दूंगा। चलिए, तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।